अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज डॉक्टर हारून हबीब फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एविसीना मेडिकल कॉलेज। जी, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट लेक्चर और द लेक्चर्स बिफोर द जी एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट लेक्चर और द लेक्चर्स बिफोर द जी, नो क्वेश्चंस देन आई विल स्टार्ट। ट्रांसलेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें आते हैं इनिशिएशन, एलॉन्गेशन एंड देन टर्मिनेशन। इनिशिएशन कंप्राइजेस द असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन सिस्टम बिफोर द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्मड। वंस अ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन टू अमीनो एसिड, एलॉन्गेशन स्टार्ट्स। वंस द होल ऑफ द मैसेंजर आरएनए is transcribed, termination occurs. Initiation के लिए जो हमें components चाहिए जिनकी assembly जरूरी है, they are messenger RNA, transfer RNA, amino acid, amino acyl, transfer RNA synthetase, energy in the form of ATP or GTP, ribosomes. जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, दे आर 70S राइबोसोम्स। जो हमारे पास यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, दे आर 80S राइबोसोम्स। इनिशिएशन फैक्टर्स प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं IF1, IF2 एंड IF3। यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स। दे आर अबाउट 9 इन नंबर, हैविंग डिफरेंट फंक्शंस। राइबोसोम अभी हमने देखा है पीछे, ये भी एक
हमारे पास प्रोक्रियोटिक राइबोसोम है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका एक 50S यूनिट है, एक 30S यूनिट है, टोटल ये बनेगा 70S, ठीक है, दैट्स अ प्रोक्रियोटिक राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर ये थ्री साइट्स होती हैं, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। द ए साइट इट्स द अमीनो एसिड साइट, इसका नाम जो है। The P site is the peptidyl site and the E site is the exit site. ये amino acyl जो site है ना, ये amino acyl site जो है, ये वो site है जहाँ पे आके transfer RNA attach होता है, new transfer RNA carrying an amino acid. ठीक है, ये आके यहाँ पे amino acyl site के ऊपर attach होता है. ये जो peptidyl site है, ये वो site है जहाँ पे दो amino acids के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, इसलिए से पेप्टिडाइल। ये जो अमीनो एसिड है, क्यों? क्योंकि ट्रांसफर आरएनए के साथ वो अमीनो एसिड ट्रांसफर सिंथेज होते हैं, ठीक है, तो उसका अमीनो एसिड साइट और ये पेप्टिडाइल साइट ऐसी है जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, दिस वन हियर। उसके बाद ये ई एग्जिट साइट है, ये वो साइट है जहां पे जिस साइट से ट्रांसफर आरएनए रिलीज होता है, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए आके यहाँ पे ए साइट पे लगता है और यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये देख रहे हैं, दिस इज मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बाइंड होता है। ये हमारे पास जो ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट के साथ, ठीक है, इसने अटैच होना है यहाँ पे आके ए साइट के ऊपर, ठीक है, ये देखिए मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट, मैसेंजर आरएनए का 5' एंड यहाँ पे आके बाइंड हुआ, ठीक है, ये 30S सब यूनिट के ऊपर ये बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है, यहाँ पे आके बाइंड होगा, इट इज जस्ट अंडर द B site, next क्या होगा वहां पे आके A site के ऊपर एक transfer RNA आके attach होगा carrying an amino acid. वो कौन सा transfer RNA होगा, कैसे पता चलेगा? ये जो anticodon sequence है उसके ऊपर, ये वाला, ये कोरिलेट करेगा द वन ऑन द मैसेंजर आरएनए राइट हियर, ठीक है, तब ये वाला पोर्शन उसका इसके ऊपर होगा, राइबोसोम के ऊपर, ठीक है, आके अटैच होगा, अटैच होने के बाद अगला स्टेप वहां पे एक और अमीनो एसिड आएगा ए साइट के ऊपर नेक्स्ट, और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और पुराने वाला है वो निकल जाएगा। इसको देख लेते हैं आगे, ये देखिए, ये हमारे पास लेट्स से मैसेंजर आरएनए, ठीक है, दैट इज रेडी टू बी ट्रांसलेटेड। सबसे पहली चीज हमारे पास इनिशिएशन फैक्टर 3 that would come in close proximity of 30S subunit of the ribosome and gets attached to it, ठीक है, it's kind of activation, ठीक है, it is a kind of activation of 30S subunit. Next, another initiation factor IF2 comes in close proximity with a transfer RNA. This is a transfer RNA carrying an amino acid methionine. ठीक है, ये उसका एंटीकोडॉन लगा हुआ। Both of them will come in close proximity. And
this is a sort of activation of transfer RNA. Okay. Once both of these initiation factors end up doing what they're supposed to do, this is what happens. कि ये जो हमारे पास सब यूनिट है ना 30th सब यूनिट इट विल कम एंड अटैच इटसेल्फ टुवर्ड्स द शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस रिमेंबर द शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस इट एक्ट्स एज अ बीकन फॉर द ट्रांसलेशन मशीनरी ठीक है आके अटैच हो जाएगा शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस पे कैन बी एनीवेयर फ्रॉम हियर टू हियर Once it attaches itself, it will search for the start sequence, the start codon. Chicken. Usually, it is this one, AUG. It codes for methionine. Chicken. जब ऐसा होगा, जब मिल जाएगा start codon, then what will happen? Okay, sorry. This hole is called the initiation complex. जिसमें आपके पास transfer RNA activated पड़ा हुआ है, 30th subunit activated पड़ा हुआ है, messenger RNA के strand ground sequence पे आके 30th subunit लग गया और उसने start codon ढूंढ लिया. This is an initiation complex. मेरे पास हमारा शाइंड डेलगार्नो सीक्वेंस हो गया यहाँ पे कहीं से स्टार्ट कोडॉन ढूंढा जाएगा 30th सबयूनिट वहां पे अटैच हुआ हुआ वहां पे ये एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए आके लगेगा वंस ऑल ऑफ दिस हैपेंस ये 50th सबयूनिट आके उसके ऊपर अटैच हो जाता है ये जो हमारे पास मिथ्योनीन है और ये ट्रांसफर आ रहे हैं 30th सब यूनिट की पी साइट को ऑक्यूपाई करते हैं दिस वन हियर द एम्प्टी वन इज द ए साइट पी साइट को ऑक्यूपाई करते हैं जैसे ही ये पी साइट पे आता है अ जीटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड एंड अ जीडीपी इज फॉर्मड एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू break off both the initiation factors ye dono initiation factors utar jate hain methionine se bhi utar jata hai aur 30th subunit se bhi utar jata hai next hamare paas kuch is tarah ki shakal hoti hai ki ek codon to pakad liya ab jo agla codon this cca इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर एंटीकोडॉन है वो अपना अमाइनो एसिड लेके आएगा और आके अटैच होगा इस ए साइट के ऊपर अमाइनो एसिल साइट के ऊपर अमाइनो एसाइल साइट के ऊपर देख रहे हैं कि पहले हमारे पास ये दोनों एक्टिवेट हुए मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हुए Once it happens, 30th subunit आके लगा, P site के ऊपर attached है, GTP hydrolyzed हुए, initiation factors उतर गए. Next step हमारे पास जो next codon है उसके complementary transfer RNA अपना amino acid लेके आया और A site के ऊपर attached होगा, like this. See. Now at this point, initiation is done. ठीक है? अब initiation हो गई क्योंकि अगला step ये है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों में methionine और proline के बीच में हमारे पास
एक पेप्टाइड बॉन्ड बनना है, और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये इससे बनने से पहले पहले इनिशिएशन है, ठीक है। और जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और उसके आगे हमारे पास सारी इलॉन्गेशन है, so this was our the last point of the initiation. A side ke upar mannosal side ke upar aake proline attach hua hai, B P side peptidyl side ke upar already methionine attach hai, theek hai, initiation factors utar gaye hain, everything is just done. What happens next is ye peptidyl side ke upar peptide formation hoti hai, peptide linkage banti hai, methionine and proline, the amino acids, they are bond together forming a dipeptide, and at this point the proline moves from the amino acid side towards the peptidyl side, aur jo anchor hota hai transfer rna ka wo sirf ye wala ek reh jata hai, kyunki methionine ke sath jo anchor hai wo utar jata hai, theek hai, methionine ab प्रोलीन के साथ अटैच्ड है। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अमाइनो एसिड साइड जो खाली हो गई है उसके ऊपर जो अगला एंटीकोडॉन है, जो अगला कोडॉन है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, उसके लिहाज से जो एंटीकोडॉन ट्रांसफर आरएनए के वो अपना अमाइनो एसिड लेके आएगा, इस केस में ये सीरीन है, ठीक है। और फिर अगली साइड के अगले स्टेप पे पर क्या होगा कि ये जो सीरीन है ये अमाइनो एसिड साइड से पेप्टिडाइल साइड पे मूव कर जाएगा और प्रोलीन और सीरीन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, मेकिंग इट अ ट्राइपेप्टाइड। ये वाला जो एंकर है ये भी उतर जाएगा और ये वाला एंकर इस साइड पे आ जाएगा, कुछ ऐसे, ये देखिए, ठीक है, मेथिनिन प्रोलीन सीरीन, ठीक है। और ये अगर स्टेप बीच में चलता रहे, ठीक है, तो हमारे पास ये पांच अमीनो एसिड्स की चेन है, अ पॉलीपेप्टाइड। और जी आप लोगों को कुछ बताए थे कि कुछ स्टॉप कोडॉन्स हैं, UAA, UAG, UGA, दीज आर दी स्टॉप कोडॉन्स। These stop codons, why are they called stop codons? Because there is no amino acid for them. In codons ke translation ka koi amino acid hota hi nahi. So once a stop codon comes at the A site, अभी यहाँ पे इलॉन्गेशन खत्म हो जाएगी और हमारे पास टर्मिनेशन सीक्वेंस या टर्मिनेशन की स्टेज शुरू होगी। टर्मिनेशन के लिए हमारे पास आरएफ रिलीज फैक्टर, अब यहाँ पे अमाइनो एसिड तो आ नहीं सकता क्योंकि कोई ट्रांसफर आरएनए है ही नहीं ऐसा जिसके पास ये अमाइनो एसिड हो, ठीक है। इस अमीनो एसिड साइट के ऊपर जो ये स्टॉप कोडॉन आ गया, अब यहाँ पे कोई ऐसा ट्रांसफर आरएनए तो है नहीं जिसके पास एंटी कोडॉन हो और अमाइनो एसिड हो, तो एट दिस एम्प्टी साइट अ रिलीज फैक्टर इज अटैच्ड, और ये जो रिलीज फैक्टर है ना ये एक किस्म का बॉम्ब की तरह काम करता है, not in a destructive sense but in a disruptive sense, ki is puri translation machinery ko disrupt karwa deta hai, 50s subunit alag ho jata hai, 30s subunit alag ho jata hai, messenger rna alag ho jata hai, theek hai, aur ye wala portion
जो अमाइनो एसिड्स की चेन का पॉलीपेप्टाइड चेन है ये अलग हो गया, ठीक है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का, ठीक है। रिमेंबर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन, ये अलग हो जाए। जब ये सारे अलग हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास 50s अलग है, 30s अलग है, ठीक हो गया। ये तो अलग चले गए, अगला किसी शिकार को ढूंढेंगे जाके। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये हमारे पास अलग आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना, रेडी टू बी फोल्डेड इनटू सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन टर्शियरी स्ट्रक्चर, देन प्रोबेबली क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर मेकिंग द प्रोटीन। ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये अलग हो जाता है, ठीक है ना। इट इज रेडी टू बी ट्रांसलेटेड अगेन, ठीक है ना। ये जो मैसेंजर आरएनए एक दफा बन जाता है ना, इट इज ट्रांसलेटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एज पर रिक्वायरमेंट। So up till now we have done genetic code, components required for the protein synthesis, composition of eukaryotic ribosome, composition of prokaryotic ribosome, and steps of protein synthesis. ये ribosomes आपने देख लिए थे, इकट्ठे ATS था हमारे पास eukaryotic और 70S था हमारे पास prokaryotic, having 60S and 40S, having 50S and 30S. स्टेप्स आपने देख लिए, हमारे पास इनिशिएशन आई थी जिसके ऊपर हमारे पास इनिशिएशन फैक्टर 3 आके लगा था, 30S सब यूनिट पे इनिशिएशन फैक्टर 2 लगा था ट्रांसफर आरएनए के साथ मेथिओनिन वाले के। उसके बाद हमारे पास आई थी इलोंगेशन, इलोंगेशन में आप लोगों ने देखा पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, नए नए अमीनो एसिड आते जा रहे हैं। उसके बाद आखिर में आपने देखा था स्टेप टर्मिनेशन, जहां पे आपके पास स्टॉप कोडॉन आ गया था, स्टॉप कोडॉन जैसे ही है तो वहां पे रिलीज फैक्टर लगेगा और सारी मशीनरी को अलग कर दे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है इट इज कैरिड आउट इन फॉलोइंग वेज, proteolytic cleavage or trimming, subunit aggregation, protein folding and covalent modification of the amino acids. ek ek karke dekhte proteolytic trimming, jis tarah ke naam se zahir hota hai प्रोटियोलिटिक जो चेन बनी है ये पॉलीपेप्टाइड, ये टूटेगी, ये कटेगी, लिटिक लाइज होगी, ठीक है। ये लाइज होगी, ये टूटेगी, इसको हम ट्रिमिंग भी कहते हैं। दूसरा बालों की ट्रिमिंग नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह। एग्जाम्पल देखिए, डीएनए था, ट्रांसक्रिप्शन हुई, डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसलेशन हुई, आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन आ गई, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन में आप ये देख रहे हैं ये सल्फाइड्रल ग्रुप्स लगे हुए, ठीक है, SH, 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 ये आपस में इनका कोई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ ये लगे हुए, ठीक है। This is called a precursor of pre-pro insulin. क्योंकि जो let's assume के जो हमारे पास gene था वो insulin gene जो था, insulin का जो gene था वो transcribe हुआ, उसके बाद वो translate हुआ,
इंसुलिन जीन ट्रांसक्राइब हुआ, ट्रांसलेट हुआ, उसके बाद ये हमारे पास प्री कर्जर ऑफ प्री प्रो इंसुलिन, प्री कर्जर ऑफ प्री प्रो इंसुलिन, ठीक है, ये बना। अब इसकी प्रोटियोलिटिक क्लीवेज या ट्रिमिंग शुरू होगी। पहले स्टेप में क्या होगा, सल्फाइडल ग्रुप्स हैं, ये आपस में डाइसल्फाइड लिंकेजेस बना लेंगे, ठीक है। जब ये डाइसल्फाइड लिंकेजेस बना लेंगे, दैट इज दैट प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड प्री प्रो इंसुलिन, दैट प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड प्री प्रो इंसुलिन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन जो है इसका पॉलीपेप्टाइड चेन का वो कटेगा, ट्रिमिंग होगी, कट ऑफ होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये कट गया, एट दिस पॉइंट दिस पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड प्रो इंसुलिन, ये वाला पोर्शन भी कट गया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रो इंसुलिन, ठीक है। डाइसल्फाइड लिंकेजेस बने में मजीद ट्रिमिंग होगी, मजीद कटिंग होगी, और ये कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी, दैट वुड बी कॉल्ड अ इंसुलिन, ठीक है। देख रहे हैं किस तरह प्रीकर्सर ऑफ प्रीप्रो इंसुलिन से प्रीप्रो इंसुलिन बनती है, प्रीप्रो इंसुलिन के ऊपर ट्रिमिंग होती है, प्रो इंसुलिन बनती है, मजीद ट्रिमिंग होती है और इंसुलिन बनती है। दिस फिनोमेना इज कलेक्टिवली कॉल्ड ट्रिमिंग और प्रोटियोलिटिक cleavage. एक और एग्जांपल है आपके पास, इनएक्टिव जाइमोजेन है जो एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ क्लेवेज। ये देखें कलर कोडेड है, ये जो रेड पोर्शंस हैं दीज आर द एक्टिव साइट्स, मगर ये कवर्ड है, ये जो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज है, ठीक है, ये शो करिए कि यहाँ पे ये एक्टिव साइट है हमारे पास, ये रेड में एक्टिव साइट है हमारे पास, मगर ये वाली एक्टिव साइट यहाँ पे जब ये इनएक्टिव जाइमोजेन फॉर्म में है तो यहाँ पे ये कवर हुई हुई है, ठीक है, बाय अ मास्किंग सीक्वेंस, इट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस, पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, ठीक है ना, अमीनो एसिड्स ही है ये, ठीक है, दैट वाज कोडेड बाय द मैसेंजर आरएनए। क्लीवेज में प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के बाद ये मास्किंग सीक्वेंस उतर जाएगा और जो एक्टिव साइट्स हैं वो एक्सपोज्ड हो जाएंगी एंड दे आर रेडी टू बी यूटिलाइज्ड। एक और एग्जांपल हमारे पास प्रोटियोलिटिक क्लीवेज की, देखिए जरा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, आई गिव यू अ मिनट। जी कुछ समझ आई इसकी, ये एक प्रो कॉलेजन है, ठीक है ना, उसकी एक स्ट्रैंड है, ठीक है,
इस तरह के तीन स्ट्रैंड आपस में मिलते हैं, ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन होती है, और ये कुछ इस तरह की सिचुएशन में आ जाते हैं जिस तरह की ये बनी हुई है। सारे अमाइनो एंजाइक साइड पे, सारे कार्बोक्सिल एंजाइक साइड पे, ठीक है। और अगला काम क्या होता है, यहाँ पे ये ट्रिमिंग होती है, ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है, डिफरेंट डिपिक्शन है, ठीक है। इसकी ट्रिमिंग होती है, और जो हमारे पास रिजल्टेंट मॉलिक्यूल आता है, दैट इज अ कोलेजन मॉलिक्यूल हैविंग दिस शेप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आए थे सब यूनिट एग्रीगेशन, सर नाम से जाहिर है ये सब यूनिट्स हैं वो एग्रीगेट होंगे। लेट्स से हमारे पास ह्यूमन क्रोमोसोम 16 है एक साइड पे, दूसरी साइड पे ह्यूमन क्रोमोसोम 11 है। इन दोनों के ऊपर अपने अपने जीन्स हैं, जीन क्लस्टर्स हैं, इसलिए अल्फा ग्लोबिन जीन क्लस्टर है। वो जब ट्रांसक्राइब होगा तो हमारे पास जो mRNA बनेगा, जब वो ट्रांसलेट होगा तो वो अल्फा चेन्स बनाएगा, ठीक है। इसी तरह ह्यूमन क्रोमोसोम 11 से बनती हैं बीटा चेन्स, ये अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स आपस में जब इकट्ठी होती हैं, जुड़ती हैं, तो हमारे पास एक HBA मॉलिक्यूल बनता है। दो अल्फा चेन्स और दो बीटा चेन्स जब आपस में जुड़ती हैं तो हमारे पास ये हीमोग्लोबिन ए मॉलिक्यूल बनता है, विच रिजल्ट्स इन ए नॉर्मल रेड ब्लड सेल कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेट्स से हमारे पास ये वाला फिनोमिना, बीटा चेन्स वाला फिनोमिना बनना बंद हो गए, ये नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये जो अल्फा चेन्स बनेगी यहाँ पे, वो सारी की सारी क्या करेंगी, आपस में प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएंगी और अल्फा इंक्लूजन बॉडीज बनाएंगी इन दी रेड ब्लड सेल, विच इज ए थैलेसीमिक रेड ब्लड सेल, ठीक है ना, इन अल्फा थैलेसीमिया, सही। वहां पे यहाँ तो ये सिचुएशन आएगी, या ये सिचुएशन आएगी, या ये सिचुएशन आएगी, या ठीक है, ये सारी जो थैलेसीमिया की फॉर्म्स थी, ये सारी की सारी सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो। सो बाय एग्रीगेटिंग सब यूनिट्स, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन अकर्स। नेक्स्ट आई थी हमारे पास प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग में हमारे पास क्या आता है, इसे नाम से जाहिर है जो प्रोटीन्स फोल्ड होंगी उससे हमारे पास कंप्लीट प्रोटीन फॉर्मेशन होगी, कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होगी, ठीक है, उसकी फोल्डिंग से। कुछ पार्टली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना, अगर फोल्डिंग होगी तो ये करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, अगर इनकी अनफोल्डिंग होगी तो ये इस तरह रिवर्सिबल फिनोमेनम, ठीक है। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जिस तरह एक के अंदर है कि जो प्रोटीन्स पड़ी होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन पड़ी होती हैं रैंडमली, जब वो प्रॉपरली फोल्ड होती हैं तो वो एक करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है ना। और इसी तरह अगर हम एग्रीगेशन को देखें प्रोटीन फोल्डिंग के साथ, तो ये जो होल्डिंग होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ती रहेंगी और आपके पास आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ती रहेंगी और आपके पास एक मुकम्मल स्ट्रक्चर बनेगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसी को लें, ये दोनों, ये वाला और ये वाला जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली फोल्ड हुई और वो एक डायमेरिक एग्रीगेट में आ गई, ठीक है, इस तरह की शक्ल में। वहां पे ये एक और आई प्रोटीन, ठीक है, ये ट्राइमेरिक के अंदर चली गई, एक और आई, एक और आई, एक और आई, आती गई और ये एक फाइब्रिल बन जाएगा, मसल फाइब्रिल या मायोफाइब्रिल कोई भी जिस तरह बन जाए, ठीक है ना, और ये एक क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनेगा, ठीक है, इन अ प्रॉपरली फोल्डेड मैनर। एक और इसकी डिपिक्शन है, देखें हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन आई, फोल्डिंग शुरू हुई, फोल्डिंग इंटरमीडिएट बना, ये देखें कुछ मोटिफ्स बन रहे हैं इसके ऊपर, सही है। अब इसकी दो आउटकम्स हैं, एक तो ये नेटिव प्रोटीन बना देगा, यानी कि प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन बना देगा, ठीक है,
और दूसरा उसके पास ये वाला है कि एक मिसफोल्डेड प्रोटीन बना देगा। तो नेटिव प्रोटीन है, जब ये अपना काम खत्म कर लेती है तो ये भी एक मिसफोल्डेड प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मिसफोल्ड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। Once it is converted into a misfolded protein, it is destined to be disintegrated. ठीक है, one of the outcomes is the degradation, disintegration. दो अलग अलग नाम है, काम एक ही है। ठीक है, most of the time it will be disintegrated. Some of the times what happens is this misfolded protein, it aggregates. Why? Kyunki jo formation of misfolded protein hai iski jo rate hai wo kafi zyada hota hai as compared to the degradation rate. जो degradation का rate होता है वो काफी कम होता है, degrade आहिस्ता आहिस्ता और होता है, लेकिन जो production of misfolded protein है वो काफी तेज हो जाती है। तो इस तरह के phenomena में ये aggregate कर जाती है। ठीक है, और ये अगर aggregate करती रहेंगी तो ये किस तरह का amyloid fiber सा बन जाएगा, which causes diseases, many diseases. Alzheimer's इनमें से एक disease है, Prion disease है, so on and so forth, काफी diseases. Glycogen storage diseases है, हमारे पास lipid storage disease, बहुत सारी diseases आ जाती हैं. नेक्स्ट हमारे पास आई थी कोवलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। नाम से जाहिर है कि अमीनो एसिड्स की मॉडिफिकेशन होगी, कोवलेंट मॉडिफिकेशन, इजी, सच एज ऑक्सीडेशन, प्रोलीन हाइड्रोक्सीप्लोरीन बन जाता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे शो हुआ है कि यहाँ पे OH ऑक्सीजन ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा, हाइड्रोक्सीप्रोलीन बन जाएगी। Hydroxyproline is a important component of collagen. Next is carboxylation. Carbon dioxide आगे attach हो रही है, gamma carboxyglutamate. ग्लूटामेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लगी है तो गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। ग्लूटामेट के गामा कार्बन के ऊपर आके कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो, ग्लूटामेट के गामा कार्बन के ऊपर आके कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो। फॉस्फोरिलेशन इजी है, फॉस्फेट अटैच हो रहे हैं, एग्जांपल फॉस्फोसीरीन, phosphoethanolamine, phosphoinosine, ये हमारे सारे फॉस्फोरिलेशन के। देन का एसिटाइलेशन, इस नाम से जाहिर है एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, ये देखें आर्जिनिन के साथ ये एक एसिटाइल ग्रुप अटैच हो गया। फिर आ जाती है ग्लाइकोजाइलेशन। ये आप देख सकते हैं दो किस्म की ग्लाइकोजाइलेशन होती है, ओ ग्लाइकोजाइलेशन एंड एन ग्लाइकोजाइलेशन। ओ ग्लाइकोजाइलेशन होती है कि जो हाइड्रोक्सिल है वो यूटिलाइज होता है अमाइनो एसिड का, और जो एन ग्लाइकोजाइलेशन है वो जो अमाइनो ग्रुप है अमाइनो एसिड्स का वो अटैच होता है।
कार्बोहाइड्रेट मोइटी के साथ, ये देखें ये ओ से अटैच हो रहा है तो ये ओ ग्लाइकोसाइलेशन है, ये एन से अटैच हो रहा है तो ये एन ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है ना। दिस इज योर कार्बोहाइड्रेट मोइटी, दिस वन हियर, सही। लास्टली आ जाता है हमारे पास मैथिलेशन या मिथाइलेशन, या आप देख सकते हैं लाइसीन, तो लाइसीन के साथ मिथाइल ग्रुप ये अटैच हुआ, ठीक है। तो मिथाइलेशन, सो हमारे पास जो आते हैं वो आगे कोवलेंट मॉडिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोक्सिलेशन, फॉस्फोराइलेशन, एसिडाइलेशन, कार्बोक्सिलेशन, मैथिलेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही, कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही, फॉस्फोरिलेशन में फॉस्फेट अटैच हो रही, एसिटाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप अटैच हो रहा, ग्लाइकोजाइलेशन में कार्बोहाइड्रेट मोइटी अटैच हो रही है, और मिथाइलेशन में मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है। सो दीज ऑल आर द कोवलेंट मॉडिफिकेशंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। लास्ट हो गया प्रोटीन टारगेटिंग। जी लास्ट आ गया हमारे पास इस ट्रांसलेशन टॉपिक का पॉइंट सब टॉपिक, प्रोटीन टारगेटिंग। प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन सॉर्टिंग, नाम याद रखिएगा, इज द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म बाय विच प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू देयर एप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन इन द सेल और आउटसाइड इट। सिंपल है कि ऑफ कोर्स एक प्रोटीन बनी है, इंसुलिन की बात ही कर लेते हैं, एक प्रोटीन बनी है आपकी बॉडी में, उसकी बनने की ऑफ कोर्स कोई ना कोई वजह होगी, उसके कुछ सिग्नल्स होंगे कि वो प्रोटीन बनी है, उसकी जरूरत थी। अच्छा जी, वो प्रोटीन बन गई है, न्यूक्लियस में डीएनए था, डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन हुई न्यूक्लियस में, वो जो ट्रांसक्रिप्ट था प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, उसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हुई, वो एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हुआ। Once वो एक mature messenger RNA में convert हुआ, that is secreted into the cytoplasm from the nucleus. Cytoplasm में आते ही इसके ऊपर क्या होगा, translation शुरू होगी, ribosome आएगा, transfer RNA आएगा, amino acid site, peptidyl site, exit site, Schnein-Delgarno sequence, start codon, AUG. Another amino acid comes with a transfer RNA, attaches itself to the ribosomes, a dipeptide bond is formed, more and more peptide bonds are formed and a polypeptide chain is created until a stop codon is encountered. Once the stop codon is encountered, all of this translation machinery disrupts, messenger RNA is released into the cytoplasm again to be translated again by another ribosome or another translation machinery, and the polypeptide chain, which is the primary structure of any protein, that is formed. Now that polypeptide chain goes under the post-translational modification such as trimming or proteolytic cleavage,
such as subunit aggregation, such as folding, such as covariant modification. And once all of that post-translational modification is done with, this end has ended, a final form of a protein is achieved. Now that final form of protein, let's say it's insulin. Insulin achieve hogi. Insulin ki zarurat thi body mein signal gaya aur ye sare phenomena se jo maine abhi count kiya, insulin aapke paas aa gaya. Ab jab aapke paas ye insulin aa gayi hai, ab iska karna kya hai? Iski jo target cells hain, ya cell ke andar bhi jo targeted destinations hain, jo positions hain jahan pe jana hai isne, jahan pe lagna hai jaake, wahan pe isko pahuncha diya jata. ठीक है ना? This phenomena is called protein targeting. This phenomena is called protein targeting. जिस तरह इंसुलिन जाके इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर लगे, वो उसका टारगेट. ठीक है? जिस आगे देखते हैं, सम साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स आर टारगेटेड टू पर्टिकुलर साइट इन द सेल्स. ठीक है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स आर टारगेटेड टू पर्टिकुलर साइट इन द सेल्स बिकॉज दे कंटेन अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस दैट कॉजेस देम टू बाइंड टू द रिसेप्टर लोकेटेड एट दैट साइट. इसको समझने के लिए ये देखें, एक प्रोटीन है वो किसी भी सेल की एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर जाके टारगेट होती है. ठीक है ना, उसका टारगेट वहां पे है. ठीक है, क्यों क्यों वहां पे उसका टारगेट है? बिकॉज दे कंटेन, ये जो प्रोटीन्स हैं दे कंटेन अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस दैट कॉजेस देम टू बाइंड टू द रिसेप्टर लोकेटेड एट दैट साइट. ठीक है, यानी कि अगर इंसुलिन की शक्ल ये है, ठीक है, तो उसके रिसेप्टर की शक्ल क्या होगी? कुछ ऐसी सी होगी. ठीक है, तो जो सीक्वेंस प्रोटीन के ऊपर है वो रेसिप्रोकल होता है किसके? टारगेट के सीक्वेंस, ताकि वो एक दूसरे के साथ जुड़ सके. अब लेट्स से अगर ये इंसुलिन इस शेप की है और उसका जो रिसेप्टर है वो अगर इस शेप का हो तो क्या ये अटैच हो सकेंगे? आई डोंट थिंक सो. लेकिन अगर इस शेप का हो रिसेप्टर तो अटैच हो जाएंगे. एक और एग्जांपल, प्रोटीन्स टारगेटेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है. माइटोकॉन्ड्रिया क्रॉस करते हैं, रिमेंबर माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. बहुत ज्यादा आप लोगों ने देखा था इसको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी, लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी. ठीक है, तो वो कौन सी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो वहां तक पहुंचती हैं, उसको क्रॉस करती हैं, जो काफी करती हैं, पाइरूवेट करती हैं, कार्निटिन करती हैं, काफी सारी करती हैं, मूव करती हैं अलोंग द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन. सो द प्रोटीन्स टारगेटेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन अ स्पेसिफिक पेप्टाइड सीक्वेंस ऑफ 20 टू 80 अमीनो एसिड्स दैट मीडिएट्स देयर ट्रांसपोर्ट. क्योंकि उसके ऊपर जो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो रिसेप्टर लगे होंगे ना, वो कुछ इस शेप के होंगे, और जो ये जो 20 टू 80 अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है वहां पे इस तरह की डोमेन बनेगी, तो वो उसे क्रॉस कर लेते. ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट प्रोटीन टारगेटिंग इज अबाउट, द इंटरेक्शन ऑफ ए प्रोटीन विद इट्स रिसेप्टर. ठीक है, दिस बीइंग द प्रोटीन, दिस बीइंग द रिसेप्टर. ले जी, ट्रांसलेशन इज डन, जेनेटिक कोड, कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस,
composition of eukaryotic ribosome, composition of prokaryotic ribosome, steps of protein synthesis, post-translation modification, and protein targeting. All is done. The resource for your exam is chapter 32 of the 7th edition of Lippincott. This is the topic of genetics 2 test, okay? That will occur on 23rd of June, okay? अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. ये मैं अभी नहीं शुरू करवा रहा हूँ आज क्योंकि कितना टाइम रह गया, 7 मिनट रह गए सिर्फ. तो अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं अगला टॉपिक नहीं शुरू करवा रहा हूँ. यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क अबाउट दिस ट्रांसलेशन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम. एलोंगेशन मैं रिपीट कर देता हूं. ये देखिए, ये आपके पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था, ठीक है? इसके ऊपर आके ये हमारे पास 50S सब यूनिट लगता है. 50S सब यूनिट लगता है तो कुछ इस तरह लगता है कि ये जो मिथियोनीन है, जो पहला ट्रांसफर आरएनए आके लगा हुआ 30S सब यूनिट के साथ और मैसेंजर आरएनए के साथ, ये इसकी पी साइट पे हो, ठीक है? ए साइट एम्प्टी होती है, यहाँ पे जीटीपी हाइड्रोलाइज होता है, ये दोनों फैक्टर्स उतर जाते हैं और जो अगला एंटीकोडॉन होता है, कोडॉन होता है, उसके लिहाज से जो एंटीकोडॉन है ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, ये अपना एक और अमीनो एसिड लेके आता है और ए साइट पे आके अटैच होता है. जब ये ए साइट पे आके अटैच हो जाता है, जो इनिशिएशन है वो खत्म हो जाती है. इसके बाद काम शुरू होता है एलोंगेशन का, ठीक है? इन दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, अ पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है? जैसे ये बॉन्ड बनता है, इस ट्रांसफर आरएनए को यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या करता है, यहाँ से डिटैच हो जाता है. मेथियोनिन इज अटैच्ड विद प्रोलिन नाउ. दिस अमीनो एसिड दैट वाज अटैच्ड विद मेथियोनिन गेट्स डिटैच्ड. इट इज रेडी टू गो एंड फाइंड अनदर मेथियोनिन टू गो एंड स्टार्ट अनदर इनिशिएशन. अनदर इनिशिएशन ऑफ अनदर ट्रांसलेशन. नेक्स्ट जो ये ए साइट खाली थी, उसके ऊपर जो अगला कोडॉन है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, जो अगला कोडॉन है वो उसके लिहाज से एक और अमीनो एसिड आके लगेगा, ठीक है? फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा प्रोलीन और सीरीन के बीच में, तो ये जो ट्रांसफर आरएनए, इट इज नो मोर रिक्वायर्ड, इट इज डिटैच्ड ऑफ एंड दिस सीरीन मूव्स टू द पी साइट. ए साइट खाली हो जाएगी, वहां पे एक और अमीनो एसिड आके लगेगा अगले कोडॉन के लिहाज से, फिर एक और पेप्टाइड लिंकेज बनेगा, ठीक है? And this will keep on going until a polypeptide chain is synthesized, and it will keep on going until a stop codon is encountered. Stop codon kaun kaun se hamare paas? UAA, UAG and UGA. Ye hamare paas 3 stop codons hain. इन तीनों के लिए ना ट्रांसफर आरएनए कोई नहीं होता है, ठीक है? कोई अमीनो एसिड नहीं होता है. जब ये स्टॉप कोडॉन आ जाता है ए साइट के ऊपर, हमारे पास एलोंगेशन भी रुक जाती है. देन कम्स टर्मिनेशन. स्टॉप कोडॉन की जगह पे जो ए साइट खाली है, वहां पे आके रिलीज फैक्टर लगता है और वो इन सारी चीजों को अलग अलग कर देता है. ये 30S 50S अब यूनिट अलग हो जाता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाती है, ये मैसेंजर आरएनए अलग हो जाता है,
30s सब यूनिट अलग हो जाता है, ठीक है ना। ये चारों चीजें अलग अलग हो जाती हैं, पॉली पेप्टाइड चेन की आगे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगी, मैसेंजर आरएनए आगे जाके किसी और 30s सब यूनिट के साथ अटैच हो और कहीं और जाके ट्रांसलेशन करेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एन एलॉन्गेशन इज। जी एनी अदर क्वेश्चन? You're welcome, Peter. I have a couple of minutes. If you have any other question, you may ask. If you have any questions, you may ask. If you have any questions, you may ask. If you have any questions, you may ask. Ajit, this is Dr. Harun Habib signing off. Thank you for your time. Allah Hafiz.